विधानसभा उपचुनाव से पहले मुलायम परिवार की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से उनका उपचुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन वह किस पार्टी से कैंडिडेट होंगी फिलहाल अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है। चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह बीजेपी से चुनाव मैदान में आ सकती हैं। इसके अलावा उनके पास चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी विकल्प खुला है, लेकिन यह सब तब होगा जब समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है। कैंट विधानसभा सीट पर बसपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा और बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम पर अभी मंथन जारी है। ऐसे में अटकने लगाई जा रही हैं कि अगर अपर्णा यादव को सपा अध्यक्ष से टिकट नहीं मिला तो वह बीजेपी का रुख कर सकती हैं। इस चर्चा को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि केंद्र सरकार के कई मौकों पर अपर्णा यादव ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के फैसले पर भी उन्होंने बीजेपी के फैसले का स्वागत किया था, जबकि सपा प्रमुख ने सरकार के फैसले पर जमकर सवाल उठाए थे। अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल रही है। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार ब्राह्मण कैंडिडेट विजय हुए हैं। सबसे ज्यादा 3-3 बार कांग्रेस की प्रेमवती तिवारी और बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। 2 बार यहां से रीता बहुगुणा जोशी भी इस सीट से चुनाव जीत चुकी है। इस बार बसपा ने अरुण द्विवेदी के रूप में ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया है। कैंट विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी चुनाव जीतने में सफल रही हैं। इस सीट पर इस बार किस कैंडिडेट की किस्मत चमकेगी ये देखना अभी दिलचस्प होगा। SPN9 न्यूज के लिए मैं भ्रमांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।